अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय शो कैपिटल लाइव विद अनीका। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और कैपिटल टीवी की तरफ से आप तमाम लोगों को दिली ईद मुबारक। ईद का दिन हो और कोई स्पेशल मेहमान आपसे ना मिलवाया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आज मैंने एक पावर कपल को मधु किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, और वो पावर कपल ऐसा कपल है कि एक तो इंडिविजुअली बहुत टैलेंटेड हैं और इंडिविजुअली अपनी अपनी जगह पर बहुत सारे मामलात को संभाले हुए हैं और इख्तदार की जो ऊंचाइयां हैं उनको भी देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये कपल, वो कहते हैं ना, कई लोगों को जब इख्तदार आता है तो सरिया आ जाता है गर्दन में, वैसा कोई सिचुएशन इस कपल के साथ नहीं है। देयर एज डाउन टू अर्थ, जब इख्तदार में नहीं थे तब भी। तो मैं ज़रा तारुफ करवा ही देती हूँ आपका। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कौन सा पावर कपल है जिसका शायद आपको पता नहीं है या जो आप लोगों से मिले नहीं हुए। ईद वाला दिन है, स्पेशल मेहमान हमारे जो मौजूद हैं हमारे साथ। पहले चीमा साहब ने आते ही बोला था लेडीज़ फर्स्ट, तो पहले मैं उनकी अहलिया का ही आपसे तारुफ करवाती हूँ। मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट की, बड़ी टैलेंटेड खातून है और बड़ी वोकल भी हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहब आपने ज्वाइन किया, सच अ प्लेजर हैविंग यू। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। एंड लुक हु इज सेइंग माशाल्लाह। अनीका, आप जितनी स्मार्ट हो एनर्जी लेवल उतना हाई है। वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू। जमशेद चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ये वाला रमजान जो है ना, बड़ा बाबरकत जमशेद चीमा साहब के लिए था, क्योंकि उनको ऐसे पीएम भी इसी रमजान में बनाया गया, एंड राइटली सो। टीम ढूंढ रहे थे खान साहब, टीम आखिर उनको एक अहम मेंबर मिली गए। चीमा साहब थैंक यू सो मच, ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक हो आपकी ऐसे पीएम बनना भी और ईद भी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो मैंने सियासत के ऊपर बाद में बात करनी है, सियासत बोरिंग हो जाती है ज़रा, वैसे भी हम रोज़ इसी पे बात कर रहे होते हैं। पहले तो मैंने ये जानना है कि आप लोगों की शादी कैसे हुई। पर्सनल सवाल है लेकिन इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जी बस ये मेरे अंकल के साथ इनकी अच्छी सलाम दुआ थी। अच्छा। हम लोग यू कैन से के फैमिलीज का आपस में कोई इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं था, तो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वी मेट। हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग थी, तो उसमें मतलब मैं भी लपेटना नहीं है, नहीं, 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 उनकी मुस्कुराहट ने बता दी ये पसंद की शादी है। हाँ ना, है पसंद। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वी हैड अ लंच, हमारा था अवारी में, फ्यूजी जामा, मेरी सारी वेडिंग एनिवर्सरी हम डिनर उसी टेबल पे करते हैं। माशाल्लाह जी। तो इट वॉज ऑल ऑफिशियल डिस्कशन, और उसमें ये पॉलिटिक्स पे ये बहुत बात कर रहे थे, तो जो भी, तो बकौल इनके, इनको मैं तब अच्छी लगी थी। अच्छा। हाँ। आपको ये कब अच्छे लगे थे? हाँ। मुझे जब, तो ये होता हाँ, है ना? मुझे इन्होंने डायरेक्ट जब प्रपोज किया था, द डे ही प्रपोज मी, उस दिन मैंने इनको ध्यान से देखा। उस नजर से तो नहीं देखा। हाँ। था ना, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं इन्होंने प्रपोज, फिर मैंने कहा कि नहीं ठीक है बंदा, तो वैसे हमारी अच्छी सलाम दुआ थी। सलाम दुआ से मुराद ये है मतलब डिस्कशन वाली ना, तो उसमें ये था कि इनकी थॉट्स वो थोड़ी बहुत मुझे पता थी, बिकॉज हमारी ऐसा नहीं है, वो जो लंच था और उसके बाद प्रपोजल का हार्डली फ्यू वीक्स, चार पांच वीक। हाँ, चार पांच हफ्ते। आपने दिन, उस दिन ही डिसीजन ले लिया था चीमा साहब कि बस यही होंगे आपके शरीके हैं आप? बेसिकली मैं समझता हूँ ये तो डिसीजन नहीं था, लेकिन मुझे ये ना आम औरतों से हटके लगी। अच्छा, क्या चीज स्पेशल? स्पेशली एक तो ये था कि मतलब कुछ चीज़ें तो एक्सप्लेन नहीं होती, मसलन एक तो इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी, मतलब आवाज़ से मुराद ये कि बात करते हुए भी, एक था ये जब नात पढ़ती है तो बड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन वैसे बात करते हुए ना मतलब औरतों से डिफरेंट आवाज़ है, वो शाइनस या दूसरी तीसरी चीज़ें कम। दूसरा ये कि मतलब जैसे होता है ना रूपदार खातून या दबंग खातून, उस तरह की चीज़ें लगी। अच्छा, दूसरा इसके पॉलिटिकल जो थे ना, एक जजमेंट कह लें या अंडरस्टैंडिंग, वो मुझे ज़्यादा लगी आम लोगों से। अच्छा, अच्छा, तो जिसे कहते हैं ना एक सोसाइटी में एक इंडिपेंडेंट मूव कर सकती है खातून, या एक वैल्यू ऐड कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है, सो शी लुक लाइक दी लाइक दैट टू मी। तो मतलब जिसे कहते हैं रीजनेबल, एक बावकार, एक मतलब अट्रैक्टिव, उस तरह की चीज़ लगी ना, तो उस तरह की चीज़ तो शाय हो, उस तरह का पैकेज कह लें, पूरे चीक्स रेड हो गए। उस तरह का, कितने साल हो गए आपकी शादी को पहले से बताएं? दस साल बाद भी देखें उनको शर्म आ रही है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ई वॉज गुड ना, बट इन्होंने जब मुझे प्रपोज किया उससे पहले मुझे मतलब ना उस नियत से या उस तरह से देखा नहीं था मैंने। तो
जब इन्होंने प्रपोज किया तो ऑफ कोर्स मैंने फिर मुझे अच्छा भी लगा और सीधी सी बात है आई एक्सेप्टेड. फिर मैंने इनको ध्यान से देखा, मैंने कहा बंदा ठीक है. एंड देन फिर हमने दोनों ने स्पेशली मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी आई, हमने अपनी फैमिलीज को कन्विंस किया. देन हमने दोनों ने गन पॉइंट पे, ये फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैमिली को मनाना. और पहले तो बताएं कि चीमा साहब ने प्रपोज कैसे किया. नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों इस तरह के वो ड्रामे श्रामे हम कम करते हैं ना. ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू सी के वी मेट उसके दौरान फोन पे डिस्कशन होती थी, वैसे मिलना मिलाना नहीं था बिल्कुल भी. उसके बाद अगली मीटिंग जो दूसरी मीटिंग थी उसमें ही प्रपोज्ड. तो आप आगे खुद अंदाजा लगा लें कि कितने क्विक हैं डिसीजन मेकिंग में. अच्छा वैसे मैं आपको हाँ ना It was, ये वाली कैपेबिलिटी होगी ना, ये आपको ये कहते हैं कि ये जजमेंट इनकी ये है. और इन्होंने सेकंड मीटिंग में इन्होंने मुझे और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे प्रपोज करने लगे या कुछ. अच्छा. We had a cup of, पहली मीटिंग पहला खाना मरावारी में था, दूसरा we had a coffee at business center PC. सही. और वहाँ इन्होंने प्रपोज कर दिया. He went straight to the business and the business. Yeah, ये. I'm here for the business. ये बिल्कुल भी फ्लर्ट और एक वो जो पूरा टाइम होता है ऐसा कुछ नहीं है. Very mature actually. This is a very mature. अच्छा अब अगले फेज पे आते हैं चीमा साहब. वालिदैन को मनाना, ये कितना बड़ा चैलेंज था, या फैमिली को मनाना? मुझे एक साल लगा जी. एक साल? शादी के बाद. शादी के बाद? ये क्या कहानी है? और मेरा ये था कि मेरी शर्त ये थी कि अगर मेरी फैमिली मानेंगी तो शादी होगी. अच्छा. वरना फिर हम ऐसे ही एक दूसरे को दूर दूर से देखा करेंगे. और यू नो के पेरेंट्स ही लड़की के फिर घर वाले मान ही जाते हैं, जो सीधी बात है. मैंने सिर्फ एक, अब आप सारी सीक्रेट्स पूछ रही हैं, सिर्फ एक कट इट शॉर्ट के मैंने सिर्फ अपनी अम्मी से ये बात की थी कि I'll marry with him. अगर नहीं होगी तो ठीक है, आपकी मर्जी नहीं होगी तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन फिर मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी. तो उनको ये पता था कि she is very hard liner. ऐसा है तो बम आपने वालिदैन ने फेंका कि मैंने किसी से शादी नहीं करनी. उन्होंने कहा कि नहीं शादी. एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह चीमा साहब बारात शरात लेके, ये भी शर्त थी ना क्योंकि हमारा गाँव का कल्चर है तो हम लोग शादियाँ अपनी फैमिली में उधर ही करते हैं. तो देन फिर मेरी शादी गांव में ही हुई थी. अच्छा. ये बारात लेके गए थे यहाँ से. अच्छा. और फिर पूरी प्रॉपर हमारी. और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारा शूट था तो अतर शहजाद से था, मेरा वो फेवरेट. अच्छा. था मेकअप आर्टिस्ट. तो हम लोग जो कि इकट्ठे ही थे तो इन्होंने जब हम मैंने अपने ज़ाहिर पहले इनसे पहुँचना था तो इन्होंने कहा तुम अपनी गाड़ी में मत बैठो, तुम मेरे साथ ही बैठ जाओ. तो थोड़ी देर के लिए इन्होंने दुल्हन अपने साथ ही बिठा ली, बारात खुद ही हम दोनों लेके जा रहे थे. अच्छा जब आप लोगों ने सारा मनाने वाला फेज किया तो इसमें जब आपके पेरेंट्स तो मान गए, वो कह रहे हैं उनको शादी के बाद वो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी. लेकिन उसमें मैं आज अगर हम बात करें ना तो जो मैं बड़े फखर से और बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ हम्बल पर्सन के अब बोथ साइड्स, अब चूंकि मेरी मदर इन लॉ की तो डेथ होगी, शी वॉज वेरी नाइस और उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया लाइफ में सेटल होने में, चीज़ों की हैंडलिंग में. शी वॉज वेरी माशाल्लाह वाइज लेडी जो चीमा साहब की वालदा थी. एंड देन मेरी अम्मी. फिर उसके बाद अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ आइडियल इन माई फैमिली. मैं पता नहीं इनकी फैमिली में आइडियल हूँ कि नहीं, बट एवरीबडी लव्स मी माशाल्लाह. Everybody respect me. आपके वालिदैन को, चले जब मनाने मनुने वाला काम खत्म हो गया, तो आपके वालिदैन को मुसर्रत साहिबा के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती थी? बेसिकली आप कह लें कि जब आपको तो जो अच्छी लगती थी वो लगती थी बेसिकली जब वाकफ ना हो तो आपके 100 years होते हैं ना, हदशात होते हैं, कल्चर का फर्क. मतलब ये सिंपल लेडी बेसिकली, जैसे कहते हैं सिंपल लेडीज, मतलब कल्चर, मतलब आपका मशरकी कल्चर हो, आपका खानदानी कल्चर हो. तो जब उन्होंने देखा कि ख़ानदानी कल्चर और सिंपल और मतलब बाकिरदार या बावकार, तो वो मतलब बेसिकली बात ख़त्म हो गई सारी ना. उन्होंने कहा ओहो ये तो वी आर थिंकिंग डिफरेंट, मतलब ये आप कहने हदशात हमारे जो होते हैं. Right. तो ये बेसिकली आप कहने. और चीमा साहब के बारे में आपके वालिदैन को क्या अच्छा लगा? चीमा साहब जो है ना, देखें मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि जमशेद को मैंने हमेशा हर रोल में हर पहलू में इंतहाई परफेक्ट माशाल्लाह से पाया. चीमा साहब आप ये देखें कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इनमें कोई वो फूंफा वाली बात ही नहीं है. ही इज़ हम्बल
और हर कैटेगरी में ना ये मिक्स हो जाते हैं, ये इनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कि मेरा एक हमारा पुराना खानदानी मुलाजिम है, तो ही इज़ नॉट अस लाइक, उनके साथ हमारा रवैया, इनको मैंने बताया उनके साथ फैमिली वाला, वो बुज़ुर्ग हो गए हुए हैं, तो मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ अपने अब्बू की डेथ के बाद, कि ये इस तरह से मेरा स्कूल बैग लेके आते थे फ्रेश लंच बनवा के। तो जब ये फर्स्ट टाइम गए तो इन्होंने बिल्कुल उससे उसी तरह प्यार किया जैसे मैं करती हूँ। तो इनमें बहुत सारी माशाल्लाह खूबियाँ हैं। कोई एक हो तो उसमें ये कि मेरी अम्मी, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि नॉर्मली छोटी मोटी बात पे बेटियाँ जब अगर कभी कोई बात शेयर करने लगें, ही ऑलवेज सपोर्टेड हिम, और वो हमेशा चीमा साहब से वो मेरे से ज़्यादा प्यार करती हैं थी, इनको पता है इस बात का। और ये भी इन्होंने कभी उनकी रिस्पेक्ट अपनी रियल अम्मी से कम नहीं की, ये भी अम्मी के हाथ चूमते थे। और मेरी माँ जो मेरे बहन भाई मुझे हमेशा, जब मैं ज़्यादा उनकी डेथ के बाद मैं आई वो ज़ाहिर है डिप्रेस थी ये वो, तो वो मुझे हमेशा एक बात मेरी बहनें बताती थी कि सबसे ज़्यादा खुश वो तुम्हारे, यानी मेरे से मुराद ये तुम्हारे मियाँ से गई हैं, वो इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी विद हिम। और वो इतनी दुआएँ करती थी कि अम्मी हमारा एक ही भाई है, उनका एक ही बेटा था, उनसे ज़्यादा वो इनके लिए दुआएँ और कंसर्न उनके। कभी कोई जैसे छोटी मोटी बात, हम यार इन पॉलिटिक्स, तो शुरू में मुझे इनके अक्सर ज़्यादा मेहमान आ जाने तो ये बताते नहीं हैं बिल्कुल भी, 10 लोग बैठे हैं तो खुद खाना, भूख लगी है तो सबका लगा दो, तो मुझे शुरू में ज़रा प्रॉब्लम होती थी कि ये क्या। तो देन उन्होंने मुझे हमेशा गाइड करना कि कैसे, कि इतने अच्छे हैं ये, परफेक्ट हैं ये वो। एनीवेज यानी कि मेरे बहन भाइयों के साथ, मेरी फैमिली, आप इससे ज़्यादा और क्या होगी कि मेरे जो मुलाजिम हैं उनके साथ भी, यू नो मैंने शुरू में इसीलिए बोला कि वो वाला काम जो होता है मसलन हमारी, मेरी फैमिली जरा राजपूत है, यहाँ पे भी हमारा भी कल्चर ये है कि बहुत काम होती हैं फैमिली से बाहर या इवन बरादरी से बाहर शादियाँ। सेम ये जाट थे, चीमा थे, लेकिन आप यकीन करें कि मेरे मामू या वो मेरा पूरा खानदान जो भी इनसे मिलता है वो मेरे से ज्यादा इनसे प्यार करता है। ऑल्दो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रिविलेज्ड वन, मेरे से भी सारे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन को वैसे मुसर्रत साहिबा बड़ा ना शिकवा होता है कि मर्द हजरात जो है तारीफ नहीं, हस्बैंड तारीफ नहीं करता, हस्बैंड को तारीफ करने का थोड़ा मौका देते हैं मुसर्रत साहिबा। ही इज वेरी एक्सप्रेसिव, इसमें फीलिंग्स में भी, रिश्तों में भी, हर चीज में। तो फिर चीमा साहब को भी जरा मौका देते ना, उन्होंने आपकी इतनी तारीफ है कि आप भी बताएं आपको क्या अच्छा लगता है अपनी बेगम पाक में। बेगम तो बहुत अच्छी लगती है, सच्ची बात है। शर्मा कितना रहे, 10 साल हो गए दोनों की शादी। ये वैसे कोई नहीं शर्मा, लेकिन बेसिक जो बात है ना कि आप पूछ रहे हैं कि तारीफ कितनी करते हैं या नहीं करते, तारीफ तो मैं करते ही हूँ, लेकिन मुझे ये समझ आई कि औरतों को तारीफ की कोई लिमिट नहीं चाहिए। वो तो नॉनस्टॉप ना, यहाँ से तारीफ की नॉनस्टॉप, लेकिन आप तारीफ तो करते हैं, वो तो उसका एतराफ भी कर रही है, लेकिन मैं तो ऑन स्क्रीन तारीफ सुनना चाह रही हूँ। ऑन स्क्रीन बेसिकली सच्ची बात है ये ना, यू कैन से कि कुछ बातें होती है जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, सच्ची बात। राइट मतलब होता है कि बड़ी मतलब अनकॉमन होती हैं, या आप कह लें लेकिन होनी ज़रूरी होती हैं। मतलब किरदार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, फिर सियासत में आके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक्सपोज होते हैं सोसाइटी को, सोसाइटी को एक्सपोज होते हैं, फिर सोसाइटी आप पे फोकस करके खड़ी होती है, सोसाइटी आपकी गलतियां तलाश कर रही होती है। सो मैं मुसर्रत पे इस बात पे बहुत खुश हूँ कि हम सच्ची बात है किसी की किसी ताकत से, किसी अहदे से, किसी दौलत से मुतासर नहीं होते, मियाँ बीवी हम दोनों ही ना, हम किसी मतलब हम मुझसे को पूछे कि मैं किससे मुतासर होता हूँ तो मैं कहता हूँ या मेरे से नेक ज़्यादा हो या मेरे से जहन ज़्यादा हो। Very nice. दुनिया में तीसरा कोई बंदा नहीं। Very nice. और अक्सर मर्द हजरात जो है ना वो इन चीजों से कतराते हैं कि कहीं ज्यादा ज़हीन हो गई बीवी तो फिर हमारा क्या बनेगा, लेकिन ये बड़ी बात है कि आपने ज़हीन खातून को चूज किया। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद सियासत के अंदर कैसे आए, सियासत का सफर कैसे शुरू हुआ और इन जो अब जिस स्टेचर पे हैं इस तक कैसे पहुंचे, क्योंकि लोगों को अक्सर औकात आपकी कामयाबी नजर आ रही होती है लेकिन कामयाबी के पीछे जो पापड़ वेले होते हैं वो कोई नहीं देखता है। ब्रेक के बाद वो भी जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मुसर्रत चीमा साहिबा और जमशेद चीमा साहब की शादी कैसे हुई। ये कहानी तो मैंने आपको सुना दी, लेकिन हम जानते हैं इनको एक पॉलिटिशियन के तौर पर, और पॉलिटिक्स में आए कैसे, क्यों आए, ये तो बड़ी मुश्किल फील्ड है। इसके अंदर तो आपको गालियां भी खानी पड़ती हैं, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, और कहते हैं कि बड़ी थैंकलेस किस्म की फील्ड भी है। तो ये कैसे मुसर्रत साहिबा, आपका कैसे आना हुआ पॉलिटिक्स में? मैं इसको ऐसे शुरू करती हूँ, मैं जमशेद की स्टोरी, बिकॉज मैं इनके बाद आई थी ना, तो फिर पहले मैं जमशेद साहब की तरफ जाती हूँ। तो सिर्फ मैं दो चीज़ें शेयर करूँगी कि चीमा साहब का सिर्फ एक जो विजन था वो ये था कि इन्होंने
ट्रैवल किया ये जो तब सीएम थे शहबाज शरीफ, बिजनेस कम्युनिटी में से भी कुछ लोग इनके साथ ना जब इन्होंने ट्रिप्स किए थे चाइना के और टर्की के, सो प्राइवेट सेक्टर से चीमा साहब थे, जेकेटी थे और एक आध और थे, तो इन्होंने जब ट्रैवल किया तो इनको ये समझ आई कि अगले 200 साल भी अगर ये लोग हुक्मरान हैं तो इस मुल्क की किस्मत नहीं चेंज होने वाली, और अगर हम जो सक्सेसफुल लोग हैं खाली इनको लान तान करते रहे ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठ कर, हमने अपना प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन ना की, तो ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता, और हो सकता है कि हमारे आने वाली नस्लें यानी कि हमारे बच्चे वो इस मुल्क में ना रहें और रहा भी नहीं जा सकता। दैट वॉज द मोमेंट ही डिसाइडेड व्हेन ही केम बैक, और अवेलेबल ऑप्शन सिर्फ एक थी, दैट वाज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अब के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के लीडर, राइट। तो देन हालांकि इनके लिए किसी भी बड़ी जो पावर में जो जमात थी उसमें जाना कोई इशू नहीं था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुना, ही ज्वाइंड ओनली फॉर वन रीजन कि हम इस मुल्क में दफन होंगे और हमारे बच्चे इस मुल्क में रहेंगे, और वो इस मुल्क को अगर छोड़ के ना जाएं तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकली अपनी पार्टिसिपेशन करनी है, तो इन्होंने ज्वाइन की। मेरा सिर्फ इतना सा था कि चीमा साहब डिसाइडेड कि मैं इनको जो शुमाली लाहौर सबसे टफ हल्का मिला उसमें, फिर चूंकि इन्हें बिजनेस भी देखना होता था तो इन्होंने फिर मुझे ये कहा कि फर्स्ट टाइम जैसे 9 to 5, 6 ये अपने ऑफिस वगैरह में बिजनेस में बिजी होते हैं, तो मैं हल्के को देखूंगी एंड देन ये फिर शाम को ये देख लिया करेंगे। सो वो मेरे अंदर जर्म्स भी थे, और ये फिर बाद में चीमा साहब को भी और इनके हल्के के लोगों को भी पता चला कि ये भी अच्छी वर्कर है, तो वो जरा स्पीचेस की चीमा साहब के सामने बड़ी तारीफें होती थी और ये वो। फिर पार्टी ने मुझे ऑफर किया, पार्टी डिसाइडेड के शी इज़ अ गुड वर्कर, और पॉलिटिकल पोस्चर की और एक जो सेंस वाली ख्वातीन और जो फाइनेंशियली भी स्टेबल हों वेल ऑफ हों ज़रा कम थी, तो देन फिर मैंने प्रॉपर पार्टी में मेरा फर्स्ट डेजिग्नेशन था लाहौर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का, उससे ज्वाइन किया, एंड देन फिर आगे का सफ़र ये है कि हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर से बड़ी अप्रिसिएशन लीडरशिप से मिलती थी। फिर जितनी भी मूवमेंट, क्योंकि हमारा स्ट्रगल का टाइम था, उसमें ख्वातीन के साथ कहीं भी कोई कॉल आती थी तो मैं फिर अपनी ख्वातीन को लेके हर जगह पे पहुंचना, जितने बाय इलेक्शंस होते थे वहां जाके स्टे करना, वर्कर्स के साथ उनको फैसिलिटेट करना। सबसे मुश्किल टाइम जो होगा ना मैंने वो आपसे पूछना है, लेकिन उससे पहले मैं चीमा साहब की तरफ भी जाऊंगी। चीमा साहब, आपकी वजह से आपकी अहलिया सियासत में आई, आप कैसे सियासत में आए? उन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरी तो बता दी है, लेकिन व्हाट वेंट थ्रू योर माइंड व्हेन यू वर एक्चुअली ट्रैवलिंग विद नवाज शरीफ साहब के, वाकई में वो ऑप्शन नहीं लगते थे आपको? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं सियासत में तो आया इस तरह के बचपन से ना, मैं आई वाज डे ड्रीमर, राइट, डे ड्रीमर। मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल था किताब पर फोकस करना, तो मैं कहीं के कहीं पहुँच जाता था, तो मैं दो रोल देखता था हमेशा अपने ना, ड्रीम देखते पहुँच जाता है, तो दो, एक तो ये कि मैं लिटिल बिट रिच हूँ, ठीक है, तो हालांकि उस वक्त मैं मतलब बड़ा ही हम्बल बैकग्राउंड से था, तो मैं अपने ना जवानी को जिस तरह देखा कि मैं रिच हूँ, ठीक है। दूसरा ये कि मैं थोड़ी ऊंची जगह पे खड़े होकर स्पीच कर रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं मेरी बात को। अच्छा, ये रोल हमेशा ही, जब भी मैं हाफ देखता यही हाफ देख, जब भी देखता यही आता था, ठीक है, डे ड्रीमर के तौर पर। सो आप कह लें कि राइट फ्रॉम दैट कुछ ना कुछ तो मैं सोसाइटी में करने की कोशिश करता था। अपना प्राइमरी स्कूल मैंने खुद बनाया, मैंने मेरा गांव में कोई अहम आदमी नहीं था, तो प्राइमरी स्कूल हमारा एक था, बच्चों का था, बच्चियों का नहीं था, तो बच्चों जब बच्चियों का स्कूल अप्रूव हुआ तो हमारी बिल्डिंग उनको दे दी गई, हमें बाहर गली में बैठा दिया गया, तो आई वाज इन क्लास 3 एट दैट टाइम। तो हमने कहा कि स्कूल बनाते हैं, तो हमने सारे गाँव से पैसे इकट्ठे किए, 4000 रुपया इकट्ठा किया, 625 रुपये की ज़मीन ली, 10 मरले, और हमने स्कूल बनाना शुरू कर दिया, एंड आई वाज अ लीडर एट दैट टाइम, टोटल तीसरी जमात में। सो अपना स्कूल मैंने गांव का खुद बनाया, वेरी नाइस, ठीक है, एक कमरा हमने बनाया, 10 मरले ज़मीन लेके प्लांट लगाए, फूल लगाए सारे, और उस क्लास मतलब अच्छा स्कूल जा रहा है, आज भी बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। सो इन क्लास 3 to 4 मतलब तकरीबन 2 साल लगे हमें पूरा करते हुए उसको। सो मैट्रिक के बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आके मैंने एक चीज़ देखी कि जो लोग जिन लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, ये सियासत का ईंधन होते हैं, वो सियासत जब करते हैं तो वो यूटिलाइज हो जाते हैं। अच्छा, सो आप कह लें कि मुझे ये समझ आई कि आपका प्रोफेशनली यू मस्ट बी वेरी स्ट्रांग इन द प्रोफेशन, राइट। दूसरा मुझे ये कंसेप्ट मेरे जल्दी क्लियर हुआ कि अगर आप अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं है,
आप ताजर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप रिसर्चर हैं, आप वकील हैं, सो यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, आप साफी हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोफेशन में आपको सक्सेसफुल, आपको आइकन होना चाहिए अपने प्रोफेशन का, फिर आप क्लेम करें कि मैं मुल्क ठीक करूंगा। अगर आप अपने प्रोफेशन में एक फेलियर हैं तो आप कहते हैं मैं मुल्क ठीक करूंगा, तो ये बड़ी जाती है मुआशरे के साथ बड़ी जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यूनिवर्सिटी से निकला, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था मैं, यूनिवर्सिटी से निकला हूँ तो मैंने टीचिंग शुरू की, यूईटी में टीचर लगा मैं, तो वहाँ भी मुझे समझ लगी कि जो मैं ख्वाब देखता था अगर अमीर होने वाला वो यहाँ तो नहीं है, तो 10 महीने बाद मैं छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में चला गया, प्राइवेट सेक्टर में सक्सेसफुल रहा मैं काफ़ी, और उसके बाद अपना बिजनेस, जब रोटी रोजी से थोड़ी फिक्र ख़त्म हुई कि ठीक है अब सियासत की जा सकती है, तो 2009 में आप कह लें कि मैंने पॉलिटिक्स अपना इमरान खान साहब को ज्वाइन कर लिया, तो उससे पहले जब मैं मुशर्रफ के ख़िलाफ़ था, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ था, उसके मार्शल ला के स्पेशली लास्ट डेज आखिरी दो सालों में जैसे मैं थोड़ा बिटर हो गया। अच्छा, सो उस वक्त आप कह लें कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वकीलों की मूवमेंट जब चली जनरल, उसके बाद जो लोग स्ट्रगल का हमें अच्छे लगते थे, उसमें शहबाज शरीफ जब आया तो पीपल्स पार्टी के हम अगेंस्ट थे बचपन से, तो उसके बाद जब इनके साथ शुरू हो गए थोड़ा मतलब प्लस माइनस जैसे कहते हैं ना एक पसंदीदगी शुरू से पसंदीदगी वाली बात, तो फॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब का जो पहला विजिट हुआ चाइना का हुआ, उस विजिट में प्राइवेट सेक्टर से चार लोग थे, मियां मंशा साहब थे, जहांगीर तरीन साहब थे, फैसल अफरीदी थे और मैं था, चार लोग थे हम। अच्छा, आगे जो टर्की का विजिट था उसमें ज़्यादा लोग थे, मैंने तो फिर इनका दुबई में विजिट हुआ, मुझे समझ आई कि वहाँ जाके साथ रह के जो समझ लगी कि ये टोटल एक पंजाबी में सही लफ्ज़ बोलूँ तो रंगबाज, अच्छा मुझे शहबाज शरीफ रंगबाज लगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा, रंगबाज मतलब हम बेसिकली कारोबार के लोग हैं ना, हमारी जजमेंट परफेक्ट होती है, यानी ये टू परफेक्ट होती है कि एक्चुअल क्या कर रहा है बंदा, तो मुझे समझ आई कि भाई ये बिल्कुल रंगबाज है, ये कुछ भी नहीं करेगा, ये मतलब सिंपल सी बात है कि ये ना इसको अपनी तस्वीर चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, वोट चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, ये जो है ना मतलब ही इज़ नॉट सिंसियर विद द कंट्री एंड पॉपुलर्स, सो मुझे समझ लगी कि ये ही इज़ नॉट द ऑप्शन, कि जिसे हम ऑप्शन समझ रहे थे शायद ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हालांकि कभी भी मैं उनकी पार्टी में नहीं रहा, बट फिर आप कह लें कि इन्होंने कोशिश की मुझे इसमें लाने की, क्या नाम है, एग्रीकल्चर की और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में। राइट, ठीक है, लेकिन उस वक्त मुझे समझ आई कि ही इज़ नॉट द राइट पर्सन। आपको ये कब पता चला नहीं इमरान खान इज़ द पर्सन? नहीं, इमरान खान का मुझे पता चला 1983 में। अच्छा, 1983 में जब मैं FSC में था। Interesting. अच्छा, वो ये था कि उन दिनों जा रहा था इंडिया का दौरा करने जा रही थी पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी टीम इंडिया का दौरा करने जा रही थी, तो हम उस वक्त अखबार ही होता था, टीवी तो कम होता था, तो अखबार में रोज़ हम पढ़ते थे इमरान खान कप्तान थे कि मैं इंडिया को इंडिया में हराऊंगा। राइट, ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, फिर उन्होंने कहा हम वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराऊंगा, तो मुझे एक फार्मूला हाथ आया परफॉर्मेंस का कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम बिग, देन उस ड्रीम के साथ बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ड्रीम बयान नहीं करते, ड्रीम छुपा के रखते हैं कि अगर पूरा ना हुआ तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ड्रीम अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जो आपका ड्रीम है वो पब्लिक में बयान करें, आपके कज़न, आपके मल्ले वाले, आपके दो जानने वाले, ताकि आप एक प्रेशर आए, पॉजिटिव प्रेशर आए कि आपको लोग आपका मजाक उड़ाएंगे अगर आपने पूरा ना किया, फिर उस ड्रीम के साथ आपकी कमिटमेंट बढ़ जाती है। सो इमरान खान का मुझे ये स्टाइल लगा, मैंने मेरी कभी डिस्कशन नहीं खान साहब के साथ हुई इस मामले में, लेकिन मुझे ये स्टाइल लगा कि ये बंदा पहले अपना ड्रीम बयान करता है, जो ख्वाहिश है बयान कर देता है, बयान करने के बाद अपने ऊपर पॉजिटिव प्रेशर लेके फिर परफॉर्म करने की। सो मैं उस वक्त से इमरान खान को 1983 से फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिहाजा आप कह लें कि जो एज ए पर्सनैलिटी फेवरेट आदमी थे मेरे इमरान खान और अब्दुस्तारीदी, ये दो आदमी पाकिस्तान में मेरी जो फेवरेट पर्सनैलिटीज़ की बात करें ना, मतलब अलामा इकबाल के बाद कह लें, ठीक है, या अलामा इकबाल के साथ कह लें, वो अब्दुस्तारीदी, इमरान खान और अलामा इकबाल, पूरे पाकिस्तान से तीन पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जो मैं या हिस्ट्री की जिनको मैं पसंद करता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब फिर बात आती है मुसर्रत, तो जब प्रैक्टिकल में समझ आई कि प्रैक्टिकली समथिंग कैन बी डन, तो फिर मैं मतलब इमरान खान के साथ शामिल हुआ, तो फिर स्ट्रगल आपके सामने है, बड़ी स्ट्रगल की हमने, मियां बीवी ने बड़ी की है, हमने बड़ी बिजनेस की कास्ट पे की है। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब बहुत सारे लोग कहते हैं खान साहब की गवर्नमेंट फेल हो गई है, ये नहीं कुछ कर सके, महंगाई इतनी बढ़ गई है, अपोजिशन का मसला इतना ज्यादा मिसमैनेज हो गया है, अब भी आपको लगता है कि खान साहब इज दी ओनली होप? देखिए, मैं बताऊँ पहली बात यह कि खान की गवर्नमेंट कितनी कामयाब है या फेल है, इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। बेसिकली आप कह लें कि खान साहब की गवर्नमेंट मैं समझता हूँ उतनी सक्सेसफुल नहीं है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। राइट, जो काम उन्होंने किए हैं वो कम्युनिकेट शायद उस अंदाज में नहीं हुए। ठीक है,
सो और कम्युनिकेशन दुनिया का, लेकिन अब हमने प्लानिंग बेहतर की, अब हमारे जो दुनिया का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी, अच्छा कर रहे हैं। बेसिक अगर गौर करें ना तो इमरान खान की फर्स्ट गवर्नमेंट है जिसमें कानून की हुक्मरानी आई है। अब यहाँ सबसे बड़ा इशू ये लोगों का कब्जा, मतलब मेरा NX-24 था, NX-27 है, NX-27 जो भी शिमाली लाहौर, वहाँ का पूछते ना कारोबार क्या है, तो तीन कारोबार थे, केबल, कब्जा और किस्त। अच्छा, मतलब जो आपको सफ़ेद कपड़ों वाला बंदा नजर है पूछें क्या करते हैं, तो उसने या तो इलाके में केबल बिछाई है, तो केबल बदमाशी की बुनियाद पर होती है, ठीक है, तो उसके पैसे हर घर से 400-500 लेना है, ठीक है, तो वो उस हिसाब में जितना किसी का जोर है, डंडा जितना स्ट्रांग है, जितना उसके पास गन्नों वाले ज़्यादा, उतना इलाका केबल का। केबल दूसरा ये है कि आपने कुछ चीज़ें रखी हैं, आप मोटरसाइकिल 38,000 की आती है, 62,000 की बिकती है किस्तों पर, किस्तों पे 38,000 रुपये की आती है, 62,000 की बिकती है, 13 महीनों में किस्तें हैं, ठीक है। तीसरा कारोबार था कब्ज़ा, और सबसे बड़ा कारोबार वो, ठीक है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का बड़े से बड़ा आदमी कब्जे से डर रहा है, कब्जे से पीछे हट रहा है, छुप गया है, ये कभी नहीं हुआ था पाकिस्तान की तारीख। एक और चीज भी, क्योंकि हुक्मरान ही तो कब्जे में इन्वॉल्व रहते थे। दूसरी बात इसमें, दूसरी बात इसमें कि इस वक्त कोई बंदा आपका स्पेशली सियासतदान, आपके लिए करप्शन करते हुए डर रहा है, करप्शन से आपके लिए कोई बंदा पब्लिकली या कोई आपके लिए दिलेरी से वो नहीं हो रहा। अब सबसे बड़ा जो पार्टनर था करप्शन में वो तो सियासतदान था, अब सबसे बड़ा पार्टनर जो जो डिसीजन मेकर है, ब्यूरोक्रेट कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना, वो फैसला करता है ना। तो अगर वो पहली चीज़ ये थी करप्शन का रुकना, पहली स्टेप ये था। अब नीचे, इस बारे में तो हमने बात कर ली सियासत के बारे में, खान साहब को अभी भी आप लोग समझते हैं कि कामयाब जा रही है हुकूमत, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पर्सनल पहलू भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ईद का शो है मेरी तरफ से, अभी ईद की सेलिब्रेशंस चल रही हैं, एक ब्रेक के बाद मुलाकात करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ सियासी पहलुओं की जो कि एक सियासतदान की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, चाहे ईद हो या ना हो। अच्छा, अब जरा ईद की तरफ भी आते हैं, ईद मनाते कैसे हैं चीमा साहब? ईद हल्के से लोग आते हैं, ठीक है, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, तो मुसर्रत को बड़ा प्राइड है कि मैं मैनेजर बड़ी अच्छी हूँ, कुक हमारा ठीक है, तो ये सारा दिन मैनेज करती रहती है, तो बाकी लेकिन ईद का जो फर्स्ट यानी कि जो नमाज का टाइम होता है वो हम लोग ट्रैवल करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, चीमा साहब के पेरेंट्स के साथ ईद करते हैं, पहले तो माशाल्लाह दोनों ही आते, तो अभी अंकल भी हैं, तो फिर भी हम ईद उधर ही जाके नमाज वहाँ पढ़ते हैं, लंच करके फिर हम वापस भागते हैं। अच्छा, क्योंकि हमें फिर लाहौर गुजरांवाला चूँकि रहते हैं वो, तो वहाँ से वो वाला करके सारी एक्सरसाइज एंड देन फिर हमारी ईद शुरू हो जाती है लाहौर की हल्के की। तो सेकंड डे बच्चे नहीं आते, नहीं, आज भी सियासतदानों वाले हल्के के लोग, बच्चों का बड़ा मजे का हमने रखा होता है कि बच्चे पहले तो उधर जाते ददियाल, वहां पे एंजॉय करते हैं, उसके बाद अगले दिन था कार के आ गए, हम लोग अपने पॉलिटिक्स वाली ईद शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट डे मेरे बच्चे लाजमी है वो जाते हैं नानों के घर, गांव उनके चले जाते हैं, मैं साथ नहीं जाती, मैं फिर बीच में बाद में किसी 2-3 दिन के बाद जब बच्चों ने वापस आना होता है तो मैं चली जाती हूँ। तो इस तरह से हमारी ईद गुजर जाती है सबसे भागते दौड़ते हुए। सबसे यादगार ईद कोई एक ऐसी ईद जो कि ओके नहीं, ये तो बेस्ट ईद थी शादी के बाद? मैं बताऊँ, हमारी हर ईद, हर मैं बेसिकली थोड़ा हूँ जो ओकेजन्स होते हैं स्पेशली ईद या वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडेज, बच्चों की, मियाँ की, अपनी, मैं इन चीज़ों की बहुत कायल हूँ कि उनको मेमोरेबल होना चाहिए, और मैं काफ़ी अच्छा खासा एहतमाम करती हूँ, बट मैं वो क्राउड नहीं इकट्ठा करती हूँ, ये पर्सनल होते हैं और इनको उसी में, तो मैं किसी, मतलब ये है कि हर सूरत मेरी ये ख्वाहिश होती है, जैसे जमशेद कहते हैं कि तुम फेस्टिविटी और इन चीज़ों पे, मेरा बहुत है कि ये भी करना चाहिए, अब अगले को फील हो के केयर। अभी जैसे बच्चे मसलन ईद के ऊपर सारी शॉपिंग सब कुछ मैं पहले से ही कर लेती हूँ, बच्चों का भी मियाँ, लेकिन पहले कोविड से पहले चांद रात को मस्ट है मैं इनको लेके हम जाते हैं कि मुझे शॉपिंग कराएं, वो एक एक्सरसाइज ताकि मेरे बच्चों को पता हो कि चांद रात और ये चीजें करनी है, यू नो, वरना सारा कुछ मैंने पहले से किया, इसलिए होता है कि हम लोग बिजी हैं, कुछ टाइम ना मिले, साइजेस ना मिले, फिर इशू आता है, लेकिन वो ड्रिल हम फिर करते हैं, वो वाली दैट इज फेक एक्सरसाइज, चांद रात का। अच्छा, वैसे पाकिस्तान की चांद रात
को बड़ी खूबसूरत मनाई जाती है। कपड़े मैं दिखाती हूँ कि अच्छा ये कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है, फिर मैं शॉपिंग भी करती हूँ दोबारा से, तो वो इसलिए ताकि वो फिर दे इंजॉय इकट्ठे ट्रैवल करना, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, अब वो भी चूंकि बड़े हो रहे हैं तो चॉइस में शामिल हो जाते हैं। राइट। अच्छा चीमा साहब, आपको ईद के हवाले से, एक तो ये जाहिर है खाना पीना ये सारी चीज़ें तो चल ही रही होती हैं, लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी अच्छी लगती है कि नहीं? कुछ मर्द हजरात होते हैं वो कहते हैं नहीं बारबेक्यू करना है और हमने करना है, खातीन को छुट्टी देनी है। आपने कभी सोचा कि अपनी अहलिया को आपने अच्छे मैनेजर का खिताब तो दे दिया, लेकिन कभी आप भी मैनेज करें? बेसिकली आप कह लें कि मैंने कभी कोई मैनेज नहीं किया जी। अच्छा, ओके। मैं आप कह लें कि बचपन में आप कह लें मेरे भाई मेरा काम करते थे। अच्छा अच्छा, हॉस्टल चले गए तो मेरा रूममेट मेरा काम करते रहे। अच्छा, उसके बाद जल्दी मैं मैनेजर बन गया, 24 साल की उम्र में ज्वाइन किया, 26 साल की उम्र में टॉप पे चला गया मैं, 27 साल की उम्र में मैं मतलब एट द हेड जस्ट डिसीजन मेकिंग मेकर बन गया। तो मैंने ज़िंदगी में काम बड़े थोड़े किए हैं, सच्ची बात है, मतलब इस टाइप के मतलब करवाता हूँ, बड़े से बड़ा इवेंट, बड़े से बड़ा इवेंट कह लेना कि जी मतलब 10 करोड़ का इवेंट है जिसमें हमारा 10 करोड़ खर्च हो रहा है, मतलब सालाना कॉन्फ्रेंस है, सालाना कॉन्फ्रेंस तकरीबन 8-7 करोड़ रुपया लग रहा है, ठीक है। सालाना कॉन्फ्रेंस में मैं कभी नहीं पूछा क्या कर रहे हो। अच्छा, माइक्रो मैनेज नहीं करते? कभी नहीं, शुरू नहीं करता। मतलब बता रहा हूँ 10-12 करोड़ 15 करोड़ का बजट भी हो तो उसमें मैं ये नहीं पूछता कि आपने ये मतलब क्या किया है, कैसे किया है, ठीक है। टोटल तो आगे आप घर का सोच लें, इनको कुछ इवन इनको तो मेरा ख्याल है कि जो मेरी फेवरेट हो जिसको मैं ज्यादा बार बार बुला रही हूँ, मेरे पर्सनल एक होती है मेड, उसका तो शायद नाम इनको याद हो जाता है वो बार बार, बाकी तो इनको कोई खास नाम भी नहीं पता होता किसकी कितनी सैलरी है, तो किचन में जाना तो दूर की बात। खैर वो तो मैं भी, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, तो मैनेजमेंट इन्होंने इसलिए चले क्रेडिट दे दिया, बट वो इस टाइप का कोई नहीं हिसाब नहीं है। राइट। अच्छा, एंड पे आखिरी सवाल मुसर्रत साहब, आप ईद के हवाले से पैगाम क्या देंगी लोगों को, लोग देख रहे हैं? देखें, जिंदगी को जितने मर्जी आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, लाइफ में जहां भी आप सक्सेस ले लें, वो आप पॉलिटिशियन बड़े हों, कुछ भी आप टॉप पे चले जाएं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को उसी तरह रखें। राइट। उसमें वो फूफा ओदे की तो मैं बिजी हो गया हूँ, तो यो ना जमशेद में है ना मेरे में है, वो नहीं आने देना चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ पे उसका इम्पैक्ट कम से कम आए, ये कोशिश जरूर करें। दूसरा ये कि आपके जो इमीडिएट रिलेशंस हैं, जो आपके क्लोज सर्कल में आते हैं, उनको भी ये फील नहीं जानी चाहिए कि आसानियाँ बांटें। और आप किसी के, दूसरी बात ये कि हमें मैक्सिमम लोगों को जिसका हम बेहतरी कर सकते हैं हमें उनकी करनी चाहिए, और स्पेशली मेरा जो एक क्लास है या जो वेल ऑफ लोग हैं उनके लिए सिर्फ ये मैसेज है कुछ ख्वातीन के लिए कि हम जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों को महरूमी का एहसास दिला बैठते हैं कि हमारे पास मसला ना आप ब्रांड्स का और चीज़ों की, लोगों के मुंह में आजकल मैं कहती हूँ टैग लगा होता है, दे मेंशन प्राइजेज, और ये कभी नहीं करना चाहिए। इवन अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी है भी तो चुप करके आपके पास अल्लाह ताला ने दिया, ठीक है, ठीक है। बल्कि मेरा तो ये है, मेरा तो ये मानना है, मे बी लोग इससे डिसएग्री करें, कि आप जिस तरह के लोगों में जा रहे हैं अपना अटायर भी उस लेवल का कर रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि आप जाके वहाँ पे इतना ओवरडू ना करो कि लोग आपको देख के थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाएं या एहसास महरूमी या वो अपने आप के करीब लाने के लिए मैचिंग करने के लिए उनको एफर्ट करनी पड़े। तो लोगों की जिंदगी को एफर्टलेस करें, आसानियां अपने आप को भी दें, और वैसे भी सादगी तो हमारे मजहब का वैसे भी एक, और अल्लाह की ब्लेसिंग्स है, आपका इख्तियार है, हक है, इंजॉय योर लाइफ, बट लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना के नहीं। अग्रीड। चीमा साहब, आपका क्या पैगाम होगा लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं? एक सोशल साइंस का साइंटिस्ट था, उसका एक फार्मूला, वो एक ना कहता है कि इंसानों की 5 किस्म की ज़रूरियात है। पहली है बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। दूसरी है सिक्योरिटी नीड्स, जान का तहफ़, जान माल का तहफ़। तीसरी है रिलेशनशिप नीड्स, कि आपका तल्लक किस तबके से है, आप पहचाने कैसे जाना चाहते हैं, मतलब लोग आपको किस तरह याद करें, ठीक है, कि आप पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, आप ईमानदार हैं या आप डिसऑनेस्ट हैं, उदानस्ता, आप चालाक हैं या आप नेक रूह हैं। और चौथी नीड्स हैं आपकी, आप कह लें कि एस्टीम नीड्स, कि जो इज्जत के लिए आप करते हैं। तो मैं इसमें कहता हूँ कि जो पहली दो ज़रूरियात हैं, रोटी कपड़ा मकान यानी फूड शेल्टर, अच्छा, और दूसरी जान माल, ये जानवरों और इंसानों की बराबर है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। सो अगर आप इन दो पे रहते हैं कि जान माल का तहफ़ और रोटी कपड़ा मकान, इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर आप में और जानवरों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। इंसान का दर्जा जो शुरू होता है
वो यहाँ से शुरू होता है कि वो पहचाना कैसे जाता है, वो नेकी के नाम पे पहचाना जाता है, ईमानदारी के नाम पे पहचाना जाता है, वो हेल्पिंग हैंड है, वो जेनरस है, वो या अदरवाइज है, ठीक है। और दूसरा ये कि उसकी जो वो रिस्पेक्ट के लिए, मतलब सोसाइटी में कितनी रिस्पेक्ट अर्न करता है। सो मेरा सारे लोगों को मैसेज ये है कि अल्लाह ताला रोटी तो सारों को दे देता है, थोड़ा सा काम करें तो मकान भी दे देता है, कपड़ा भी दे देता है, वो इशू नहीं है। ये बाई प्रोडक्ट है लाइफ के। लाइफ का जो बेसिक प्रोडक्ट है वो रिस्पेक्ट है, कि वो आपने कितनी गेन की है। जिस बंदे की रिस्पेक्ट है मैंने कभी भूखा नहीं देखा, मैंने कभी उसको बेरोजगार नहीं देखा, मैंने उसको कभी यही आपके लिए अंडर एम्प्लॉयड नहीं देखा। जिसकी रिस्पेक्ट है वो एम्प्लॉयड, वो हाईली एम्प्लॉयड होगा। जिसकी रिस्पेक्ट नहीं है वो अंडर एम्प्लॉयड होगा। सो फोकस जो है वो अपने किरदार पे और सोसाइटी पे करें, हेल्पिंग हैंड होने पे करें, ना कि रोटी कपड़ा मकान और जान माल का तफजी, ऐसे अपने आप को बचाना है। अगर ये करेंगे फिर आप में और जानवर में कोई डिफरेंस नहीं। सेल्फिशनेस की तरफ ना जाए, ट्राई टू गिव मोर देन यू गेट। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, मुसर्रत साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मुझे पीछे से बताया जा रहा था वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आई वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम ताकि तमाम देखने वालों को भी पता चले कि सियासतदानों के पीछे भी एक पूरा वही एक आम आदमी वाला निज़ाम होता है, उसी तरीके से उनकी ज़िंदगी भी होती है, मुश्किलात भी फेस करते हैं, आसानियां भी फेस करते हैं, और शायद उसी तरीके से हमसे रिलेट भी करते हैं। देखने में या इख्तदार की कुर्सी पर आकर शायद वही लोग जो हमारे मसाइल समझ सकते हैं वही हमारे मसाइल का हल भी कर सकें। इसी के साथ ईद के इस ट्रांसमिशन से अनीका निसार को इजाज़त दीजिए।